हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा शहर के 2 मस्जिदों में पूरे रमज़ान नमाजियों के लिए टैंकर से पानी भेजा गया ताकि लोग वजू करके नमाज अदा कर सकें। आपको बता दें कि मुमरा के सम्राट नगर की मस्जिद मुस्तफ़िया और गांव देवी की मुसन्नामिया मस्जिद में नमाजियों के लिए टैंकर से पानी भिजवा कर पल्लवी शिवा जगताप ने इंतज़ाम किया था, जिसके लिए कल ईद के दिन पल्लवी शिवा जगताप का दोनों मस्जिदों के जिम्मेदारों ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका सम्मान सत्कार किया है। वैसे तो पल्लवी शिवा जगताप एक हिंदू समुदाय से हैं और कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं। मस्जिद में पानी तो आता था मगर नमाजियों की संख्या ज़्यादा होने से पानी की कमी हो रही थी, जिसके बाद दोनों मस्जिदों के जिम्मेदारों ने पल्लवी शिवा जगताप से पानी की परेशानियां जो हो रही थी उसके बारे में जानकारी दी और पल्लवी ने पूरे महीने रमज़ान के दोनों मस्जिदों में नमाजियों के लिए टैंकर भेजकर पानी का बंदोबस्त किया और रमज़ान ख़त्म होते ही ईद के दिन मस्जिद के जिम्मेदारों ने पल्लवी शिवा जगताप का सम्मान सत्कार भी किया। सबसे पहले मैं सभी को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, और आज अक्षय तृतीया भी है तो सबको अक्षय तृतीया की भी बहुत मुबारकबाद। कहते हैं कि पानी का अगर किसी को कमी है और वो कमी पूरी करेंगे तो खुदा की वो चाह होती है, बंदे वो खुद उसके लिए मौका देता है। तो मुझे लगता है कि खुदा ने मुझे मौका दिया कि रमज़ान के इस पाक महीने में मैं यहाँ पे पानी का सप्लाई कर सकूँ। थोड़ी पानी की किल्लत थी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो पानी है और स्टोरेज है वो कम पड़ रहा था, तो मुझे मौका मिला यहाँ के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे, और ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया और मैंने एक ये छोटे से काम में अपना हाथ लगाया। क्या पानी यहाँ पर मतलब आ नहीं रहा था या पानी आ रहा था लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा था? पानी आ रहा था, रोज़ 1 घंटे पानी अच्छी तरह से आता है, लेकिन नमाजी जो ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आते हैं रमज़ान के मौके पर 1 महीने के लिए, तो उनको पानी कम पड़ रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने रमज़ान के पूरे महीने में यहाँ पे पानी की व्यवस्था करके दी। फिर कैसा पानी का व्यवस्था कैसा किए थे, क्या टैंकर भेजा जा रहा था या क्या? हर रोज़ यहाँ पर टैंकर आता था, कभी एक कभी दो, बहुत बार ऐसे हो जाता था कि टैंकर शाम को लेट हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो फिरोज़ मामा करके है वो और मैं, हम दोनों ने मिलकर कोशिश की और पूरे महीने का जो पानी की जो सप्लाई थी वो सिर्फ ये गांव देवी की मस्जिद का मामला था या और भी सम्राट नगर में भी हमारे यहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पर भी हमें, वहाँ पर स्टोरेज बहुत कम है तो वहाँ पर भी रोज़ टैंकर की ज़रूरत पड़ती थी, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने पानी का सप्लाई किया था। देखिए, एक तरफ हम यहाँ पर रमज़ान के रोज़े रख रहे थे तो दूसरी तरफ हमारे उत्तर भारत में नवरात्रि के उपवास चल रहे थे इसी महीने में। आज हम ईद मना रहे तो दूसरी तरफ मेरे घर में अक्षय तृतीया भी मना रहे, तो ये ऊपर वाले का ही मैसेज है, ऊपर वाले का ही संदेश है कि आप सब एक ही हो, यहाँ पर कोई अलग नहीं है, मेरा और आपका खून अलग नहीं है, हम एक ही खून के हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा आपके ज़रिए से उनको यही कहना है कि अगर ऊपर वाला हमें ये बता रहा है, हमें छोटे छोटे त्योहारों से हमें ये मौका दे रहा है एक दूसरे के साथ आने का, तो आप होते कौन हो हम लोगों को अलग करने वाले? मुमरा में हिंदू और मुस्लिम इस तरह से रहते हैं कि जैसे आप पानी में लाठी मारो तो वो अलग नहीं होता है, तो ये अलग अलग रंग के लोग हैं जो एक साथ पानी की तरह रह रहे हैं। आप कितनी भी लाठियाँ चलाओ, कुछ भी करो, ये कभी अलग नहीं होगा। और मैं एक ऐसी जगह पर खड़ी हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे दिल से बात निकलती है, तो मेरे दिल से ये बात निकल रही है कि हम सब एक है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात मुझे याद आती है कि जिस दिन धर्म और राजनीति को आप एक साथ लाओगे ना, उस दिन हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। तो मैं सोचती हूँ कि आज के दिन खुदा उनको यही अच्छी सोच दे कि जो बुरी सोच लेकर वो मुमरा में आना चाह रहे थे वो कहीं उनके जहन से निकल जाए,
और हम जो साथ है वो साथ रहेंगे। एक कहावत में कहना चाहती हूँ, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को लड़ाए वो इंसान बुरा है। थोड़ा रमजान के अंदर पब्लिक ज़्यादा बढ़ने की वजह से, नमाजी की वजह से थोड़ा एक घंटा पौना घंटा था। हम लोग अगर साहब को ये भी बोल देते थे या मैडम को भी बोल देते थे कि हमको आधा घंटा और पानी बढ़ा के दे दो, तो मस्जिद के लिए आधा एक घंटा बढ़ाने के चक्कर में कैसा होता है, मैंने पूरे एरिया का पानी बढ़ाना पड़ता था। पानी की किल्लत कैसी है तुमको मालूम मुंबई के अंदर। एक मस्जिद के अगर हम साहब को या नगर सेवक को बोल भी देते, मस्जिद भी पहुँचाते थे, तो हमारे एक मस्जिद के वजह से पूरे एरिया का पानी चालू रखना पड़ता था। इसके लिए हमने हमारे मैडम से ही बात की, मैंने पल्लवी बोला, पल्लवी ऐसे तो मसला है पानी थोड़ी शॉर्टेज है, बोले मामा एक महीने तक रमजान तक बोले इंशाल्लाह बोले अपन डेली बोले पानी का बोले कमी नहीं होने देंगे, नमाजियों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और सबसे बड़ी बात तो मैं रमजान में एक बात बता तुम्हारे को, यह हमारे मुंबरा के गंगा जमुना तहजीब का एक सबूत है ये, क्योंकि हम ईद दशहरा दिवाली नवरात्रि सब एक साथ में मना रहे हैं। अभी अम्बेडकर जयंती थी, शिव जयंती थी, अभी रमजान है, हमें ईद मिलादुन्नबी 12 वक्त एक साथ में बनाते हैं, हम हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ में रहते हैं करके।